हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेरी और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल कॉल्ड निकेड सेल या फिर निकिल कैडमियम सेल। तो निकिल कैडमियम सेल इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, बेसिकली निकिल एंड कैडमियम। सो दिस पर्टिकुलर टर्म इज टेकन फ्रॉम द सिम्बल्स ऑफ दीज टू एलिमेंट विच विल बी यूटिलाइजिंग टू मेक दिस बैटरी। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि NICAD जो ये निकेड टर्म है, दिस इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर अ कंपनी जिसका नाम है SAFT। तो SAFT कॉरपोरेशन करके एक फ्रेंच कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है निकेड। तो इन्हीं की बैटरी थी विच इज ओरिजिनल बैटरी, लेकिन आज भी हम एक्सप्लेन करने के लिए निकिल कैडमियम बैटरी को ये टर्म यूज करते हैं, बट इट इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर दिस कंपनी कॉल्ड साफ्ट कॉरपोरेशन। बट वी डोंट बदर अबाउट, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी व्हाट इज दिस सेल, व्हाट इज द एनोड, व्हाट इज द कैथोड एंड हाउ इट वर्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हर सेल की तरह इसमें भी एनोड है और यहाँ पे एनोड आपका है कैडमियम का, एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ NiOOH, दैट इज निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। ये जो निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, इसमें निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 निकल के आएगी। अगर आप कैलकुलेट करें, जस्ट लाइक वी हैव कैलकुलेटेड इट इन द केस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जब हम लोगों ने ड्राई सेल पढ़ा था, बिल्कुल ऐसे इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे आप एक्स मानिए, दिस इज -2, तो -2 प्लस हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज होता है -1, टोटल इसके ऊपर चार्ज 0 है, तो x इक्वल्स टू +3 हो जाता है। तो निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द लाइक, उसमें एक जेली रोल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि आपके एनोड, देन सेपरेटर, देन कैथोड और बीच में कुछ रोल्स को सेपरेट करने के लिए वाटर सोक्ड सम लेयर्स आर बीइंग यूज्ड। तो उन लेयर्स में वाटर होता है, तो ये वाटर की प्रेजेंस में निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो है ये पूरा जोड़ के देखिए, आप इसे टोटल कीजिए, आप यू विल फाइंड इट NiOOH को प्लस H2O करेंगे तो आपको मिलेगा NiOH होल थ्राइस। तो आप या तो ये लिखिए या फिर ये लिख लीजिए, एक ही बात है। यानी कि कैथोड पर आपको मिलेगा निकिल हाइड्रोक्साइड और जहां पर निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है, तो आप ये कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए आप इसे जनरल NiOH का होल थ्राइस लेके चल सकते हैं एज कैथोड। तो यहाँ फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, एनोड है आपका कैडमियम जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड है आपका निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो कि वाटर की प्रेजेंस में NiOH होल थ्राइस बन के रहेगा, यू विल टेक इट एज NiOH का होल थ्राइस। एंड थर्ड थिंग इज इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज होगा आपका KOH या NaOH। ठीक है, तो ये है आपकी निकिल कैडमियम बैटरी का एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, लेट्स स्टार्ट विद एनोड। एनोड की रिएक्शन क्या होगी, एनोड, तो एनोड पे आपका जो ये कैडमियम है, दिस इज गोइंग टू गेन हाइड्रोक्साइड एंड कन्वर्टिंग इनटू कैडमियम हाइड्रोक्साइड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड 1 है, यहाँ 2 है, मैं इसे बैलेंस करूंगी तो आई गेट इट 2 हियर। अगर मैं यहाँ 2 OH ले रही हूँ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैज टू बी लॉस्ट। तो चेक करिए, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, 1 कैडमियम ऑन द लेफ्ट, 1 कैडमियम ऑन द लेफ्ट, 1 कैडमियम ऑन द लेफ्ट, 1 कैडमियम ऑन द राइट, 2 OH ऑन द लेफ्ट, 2 OH ऑन द राइट, एंड जस्ट बिकॉज 1 OH इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, आई हैव लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो 2 OH ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज एट द कैथोड, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, अब या तो आप इसे लिखिए NiOOH प्लस H2O या फिर इसे आप लिख सकते हैं NiOH होल थ्राइस is going to gain electron which is lost by this and converting into NiOH whole twice, or isme electron gain karke it has converted into OH minus. So what you can see here, yahan pe ek electron isne gain kiya hai aur ye reaction already balanced hai. Check this out, 1 nickel, 3 OH, 3 OH but 1 electron is extra, to ye apna OH pe extra electron aa gaya. Ab in dono reaction ko check kijiye, the electron lost and electron gain is not equal, तो मुझे क्या करना होगा, this reaction is to be multiplied with 2. अब चेक करिए, NiOH whole thrice 2 plus 2 electron gives you 2 NiOH whole twice plus 2 OH minus. So ये आपकी ultimate equation आई, ये आपका first equation, ये आपका second equation. मैं इस equation को remove कर रही हूँ and then I am going to add these two reaction. ठीक है, चलिए अब ऐड करते हैं, ऐड दीज टू कैडमियम
ऑन द लेफ्ट ओके 2OH, 2NiOH का होल थ्राइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस. ठीक है, नाउ कैंसिल आउट द थिंग्स विच इज हियर. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेट, 2OH माइनस, 2OH माइनस, व्हाट इज लेफ्ट आउट, इट इज लेफ्ट आउट एज कैडमियम प्लस 2NiOH होल थ्राइस गिव्स यू कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकिल हाइड्रोक्साइड 2. सो दिस इज योर बैलेंस्ड रिएक्शन वी आर गेटिंग. यहां पे दिस कैडमियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन एट द एनोड. एंड दिस निकिल हाइड्रोक्साइड OH का होल थ्राइस व्हिच इज एट द प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पे ये है प्लस 2. तो ये हो गया आपका रिडक्शन. दिस रिएक्शन इज अ रिडक्शन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. आई होप ये क्लियर है. हमारा एनोड बना हुआ है कैडमियम का, कैथोड पे है निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड व्हिच इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्ट एज NiOH का होल थ्राइस. आप टोटल करके देख लीजिए Ni3O3H 1 1 2 3 H 1 2 3. तो निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH होल थ्राइस. तो दिस इज हाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो बैटरी है दिस इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है. जिन लोगों ने लाइक जो 17-18 की एज में है, उन्होंने अपने घरों में पुराने टाइम पे बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी के कैमराज देखे होंगे, डिजिटल कैमरा आते थे पहले, उसमें ये बैटरी आपको आसानी से दिख जाती थी. बट विद द टाइम एज वी नो दैट कैमराज का जो जगह है वो मोबाइल्स ने ले लिया, तो दिस बैटरी इज नाउ नॉट वेरी कॉमन इन आर हाउसेज, बट इट वॉज वेरी कॉमन इन द अर्ली 2000, है ना. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका जो वोल्टेज है वो 1.2 से 1.4 के बीच में ही रहता है. मैक्सिमम ज़्यादातर मैं 1.3 तक ही जा पाता है, बट 1.2 से 1.4 तक इसका वोल्टेज मांगते हैं. आई होप यू नो नाउ व्हाट इज निकेट बैटरी एंड हाउ द रिएक्शंस एट द कैथोड एंड एनोड अकर्स इन दिस बैटरी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.